नमस्कार दोस्तों, योर सोन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा वीडियो, तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आप अपने स्पीकर बॉक्स को खोले बिना देख सकते हो कि उसकी जो वायरिंग है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरा एक अहूजा का स्पीकर था, तो उसमें भी कंपनी से ही वायरिंग जो है गलत थी, तो जिसकी वजह से वो स्पीकर ठीक नहीं चलता था। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि उसकी वायरिंग ही गलत थी। तो उसको आप चेक करने के लिए आपको स्पीकर को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये मैंने स्पीकर खोला है आपको एक बताने के लिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपके पास बड़ा स्पीकर है तो आप 12 वोल्ट तक की सप्लाई DC, लेकिन DC पावर होनी चाहिए, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने इसका बनाया हुआ ये 12 वोल्ट का अडाप्टर, तो आपने क्या करना है, ये 12 वोल्ट का अडाप्टर लेना है और स्पीकर की वायर के साथ सीधे कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए, अगर स्पीकर अंदर की तरफ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी वायर्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वो गलत लगी हैं। तो अगर फिर आपने दूसरी साइड पे चेक करना है, जैसे ये पॉजिटिव की साइड मैंने पॉजिटिव लगाया और जैसे ये देखिए, तो ये अभी जैसे लगा रहा हूँ मैं, स्पीकर बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वायरिंग ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपने ये नहीं करना है कि जैसे 220 वोल्ट AC मेंस होती हैं घर में, तो उसको लगा के नहीं आपने करना है, क्योंकि उससे आपका स्पीकर जल जाएगा। बिल्कुल थोड़ी सी आपने DC वोल्टेज देनी है। तो अगर छोटा स्पीकर है तो 4 से 5 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।